चिमना सर प्लीज प्लीज अपनी जान खतरे में मत डालिए। आप जाइए यहाँ से, हमें हमारे हाल में छोड़ दीजिए। अगर आपने इसे बंद करने की कोशिश की तो ये क्या जरूरत थी आपको यहाँ आने की? हर वक्त हीरोइन बनने की जरूरत नहीं होती। दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स आप अकेले सॉल्व नहीं कर सकती। इस तरह से अपनी जिंदगी को खतरे में डालने की कोई हक नहीं आपको। गर्व कोर्ट उसको फोन करता हूं। मुझे अंबिकापुर का बेस्ट बॉम्ब स्क्वाड चाहिए। सेलुलर सिग्नल की वजह से ये आप क्या करेंगे रेखा सर? घबराइए मत, मैं कुछ करता हूं। चलिए यहां से। देवराज सर यहां तो अभी भी हमारे पास 15 मिनट है, लेकिन नीचे टाइम और तेजी से भाग रहा है। प्लीज नीचे जाइए। मतलब ये कि वो विक्रांत और अरबी लोग रूम नंबर 703 में हथियारों का व्यापार कर रहे हैं। हमने ये सब में गच खाकर भी इन्वॉल्व है। हमने क्या आपको बताने की कोशिश करी, इसीलिए हम बार बार आपको फोन कर रहे थे, आपने फोन उठाया नहीं हमारा। वो आपके आपके होटल के नाम को खराब करने की साजिश रच रहे हैं। देवराज सर आपको पीछे जाना होगा, प्लीज। आपका दिमाग खराब हो गया? मैं ऐसे आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं ही रहूंगा। तो पुलिस का नाम दे रहा ना तो देते रहे, मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन इस वक्त इस बॉम्ब को डिफ्यूज करके मुझे आपको किसी भी तरह से बचाना है। देवराज सर अगर अभी के अभी नीचे नहीं गए तो यहाँ से हथियारों की तस्करी होगी और देवराज सर का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, हमें कुछ करना होगा। देवराज सर को किसी भी हाल में नीचे भेजना होगा। भी बस थोड़ा इंतजार। देवराज सर सुनिए, ये बॉम्ब सिर्फ एक ही तरीके से डिफ्यूज हो सकता है। इसके लिए एक 4 डिजिट का कोड चाहिए और वो कोड विक्रांत के पास ही है। वो क्या दिल है आपके? किसी भी तरह से विक्रांत से वो कोड लेना होगा, कृष्ण को बचाना। इसका मतलब कृष्ण सही कह रही थी। मैं ऐसा कोई कदम मत उठाना, कृष्णा की जिंदगी का सवाल है। अगर मुझे कुछ हो गया तो कृष्णा को कौन बचाएगा? अब फटाफट कंसाइनमेंट भेजो। रुको, जी रुको। जयसवाल जी, जी हमने राजकुमारी जी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और होटल के गेस्ट को बचाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल दी। जो सभी लोगों के लिए इतना कुछ करे, ऐसी नेक बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। उन्हें कुछ नहीं होगा जयसवाल जी, मैं कृष्णा को कुछ नहीं होने दूंगा। ओके, डोंट वरी। बहुत भरोसा और उम्मीद के साथ यहाँ आए थे इस होटल के अंदर, लेकिन यहाँ आने से हमें ऐसा पता चला कि हमारी जान जाने की नौबत आ गई। मिस मालन, आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन मेरे होते हुए आप सबको कोई खतरा नहीं है। मैं आप सबको कुछ नहीं होने दूंगा, ओके? ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन अभी आप प्लीज बेसमेंट में जाइए। जयसवाल जी, और कितने लोग हैं? सभी लोगों को बेसमेंट में छिपा दिया है, बस इसी फ्लोर के लोग बचे हैं। सेकंड फ्लोर पे हम लोग किसी को नहीं निकाल पाए, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं। ओके, आप प्लीज इन्हें लेके जाइए। चलो चलो। जयसवाल जी, 211 में जो गेस्ट हैं, वो केमिकल सप्लायर, क्या नाम है उनका? डॉक्टर ब्रिजेश अग्रवाल। वो किधर है? अभी होटल में ही है क्या? जी वो होटल में ही है। प्लीज कम ऑन, चलिए चलिए, आप जाइए, चलिए चलिए। लेकिन फिलहाल कृष्ण को बचाना मेरी प्रायोरिटी है, और इसके लिए सिर्फ डॉक्टर अग्रवाल मेरी मदद कर सकते हैं। ये मेरी आखिरी उम्मीद है।
देवराज सिंह राठौड़ यही है। इससे पहले कि वो कोई होशियारी दिखाए, पकड़ो साले को। आज उसकी आंखों के सामने उसकी इज्जत और बीवी दोनों के चीथड़े उड़ेंगे। डॉक्टर अग्रवाल प्लीज दरवाजा खोलिए। मैं देवराज सिंह राठौड़, इस होटल का एमडी। प्लीज प्लीज दरवाजा खोलिए। हुआ क्या है मिस्टर देवराज? डॉक्टर आई नीड योर हेल्प। मेरी हेल्प? यस। कहते कि जब इंसान का आखिरी वक्त आता है तो उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह चलती है, लेकिन हम अपनी जिंदगी के आखिरी 10 मिनट सिर्फ आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारी पूरी जिंदगी है। अपनी जिंदगी में एक और ऐसे शख्स की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसे मैं प्यार करता हूं। बिहारी जी, इस जन्म में तो आप हमें जल्दी अलग करें, प्लीज अगले जन्म में ऐसा मत करिएगा। हम मुस्कुरा रहे हैं, आपने हमारी हमारी किस्मत में जो भी लिखा है, प्यार या फिर जुदाई, हम आज किसी को प्यार करेंगे, बिल्कुल भी नहीं रोएंगे। बस हमारे जाने के बाद आप देवराज सर के साथ रहिएगा, उनका ध्यान रखिएगा। इसे कम मात्रा में इस्तेमाल कीजिए, इसे सूंघते ही लोग सेकंड्स में बेहोश हो जाएंगे। ओके, एक फ्लोर के लिए बहुत रहेगी ना? जी हाँ, बहुत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। احنا في 2021. वो विक्रांत सिंह यहाँ नहीं है। अगर वो भी होश हो जाता तो मुझे बॉम्ब डिफ्यूज करने का कोड कौन बताता? अगले 20 मिनट तक ये लोग होश में नहीं आने वाले। पुलिस ने होटल को चारों तरफ से घेर लिया है। देवराज सिंह राठौड़, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप सरेंडर कर दो, बचने का कोई रास्ता नहीं है। हमें खबर मिल चुकी है कि होटल के अंदर हथियारों की डीलिंग चल रही है। देवराज सिंह राठौर, अगर तुम 10 मिनट में बाहर नहीं आए तो पुलिस खुद अंदर आएगी और फिर पुलिस की गोलियों से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, अपने आप को सरेंडर कर दो।
इंस्पेक्टर साहब देखिए मेरी बात सुनिए, अब हमारी गोलियों से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। प्लीज लिसन टू मी, मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए। सीसीटीवी कैमरास भी बंद है, विक्रांत कहाँ होगा? बस एक बार मेरी गन्स लोडिंग के लिए तैयार हो जाए, मैं बहुत प्यार से किसी भी गेस्ट को शील्ड बना के यहां से निकल जाऊंगा। वो क्या है ना, ये पुलिस वाले किसी बेकसूर पे गोली नहीं चलाते। फिर मैं काटूंगा ऐश और देवराज काटेगा जेल। हमारे सिवा हाथ बंधे हुए दिमाग में, हमें कुछ भी करके देवराज को बचाना होगा। क्या करें, क्या करें? मेरे बच्चे, अगर हमने अभी फोन किया तो कितने टाइम सीधे आता हो जाएगा। देवा सर के साथ मंजूर है, राजकुमारी जी कहाँ है आप और इस तरह से डरी हुई क्यों बात कर रही हो? प्लीज हमारी बात को ध्यान से सुनिए, हम होटल के अंदर हैं, यहाँ एक टेररिस्ट है जिसने सारे गेस्ट को बंदी बना के रखा हुआ है। What? और हमने बॉम्ब बना हुआ है। आप घबराइए मत, मैं अभी बॉम्ब स्क्वाड को तुरंत वहाँ भेजता हूँ। नहीं 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 कमिश्नर साहब सुनिए, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट ही बचे हुए, इससे पहले की बॉम्ब फटे और हम दुनिया में नहीं। सुनिए, आज के ऑफिसर्स ने होटल को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, उनको झूठी खबर मिली है कि देवराज सर अवैध हथियारों की तस्करी करे, लेकिन वो झूठी खबर है। आप प्लीज उन्हें बोलेगा कि उन पे गोली ना चलाए, और वो जो अपराधी है वो अभी भी होटल के अंदर ही है और उसने सारे गेस्ट को बंदी बना के रखा हुआ है। प्लीज आप जल्दी से जाइए और बचाइए उनको। देखिए आप घबराइए मत, प्लीज जी। हेलो राजकुमार जी, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो, तुम लोग हो कहाँ? हेलो, कितनी देर में पहुंच रहे हो? विक्रांत बोल रहा हूं मैं। विक्रांत सिंह, मैं देवराज सिंह राठौड़ बोल रहा हूं, हिम्मत है तो सामने आ। क्यों नहीं, क्यों नहीं। Thank you.
अच्छा हुआ तुम आ गए। कहा मैं ये सोच रहा था कि होटल के किसी भी कॉमन गेस्ट को बंदी बना के उसकी कनपट्टी में बंदूक रख के चुपचाप यहाँ से गोली हो जाऊं, लेकिन अगर अंबिकापुर के राजकुमार को होस्टेज बना लूं तो चीजें कितनी आसान हो जाएगी, है ना? मुझे होस्टेज बनाएगा तू? क्या किया तूने मेरे आदमियों के साथ? वही से तेरे साथ करूंगा। हट! नहीं नहीं, मैं इसे अंदर नहीं रहने दे सकता। अगर ये बेहोश हो गया तो मुझे इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने का कोड मिलना नामुमकिन हो जाएगा। बता कोड का है, बता कोड का है। कौन सा कोड? बॉम्ब को डिफ्यूज करने का कोड। कृष्णा ने कहा है कि वो कोड तुम्हारे पास है। तेरी बीवी तुझसे बहुत प्यार करती है। तेरी जान बचाने के लिए उसने बोला कि बॉम्ब में कोई कोड है। अरे बम तो मैनुअल है, उसमें कोई कोड ही नहीं है। ये क्या बकवास कर रहा है? सच बोल रहा हूं मैं बिल्कुल। कृष्णा के लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा जरूरी मेरी इज्जत है, इसलिए उन्होंने मुझे झूठ बोल के नीचे भेजा इस इलीगल डील को रोकने के लिए, जबकि वो खुद एक ऐसे बॉम्ब के साथ बंधी हुई हैं जो कभी भी फट सकता है। ये टाइमर कैसे कम होगा? राजकुमार जी, कैन यू हियर मी? क्यों? आपका दिमाग तो ठीक है, मुझे बचाने के लिए आपने खुद की जान खतरे में डाली, क्यों? हमारी जान आपके और आपके पुरखों के नाम से ज्यादा कीमती नहीं है देवराज सर। अगर हमें कुछ हो भी गया तो कम से कम मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, समझिए आप, कुछ नहीं होगा आपको, ओके? देवराज सर, अब कुछ नहीं हो सकता है, प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से। देवराज सर, अपनी जान को खतरे में मत डालिए, ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है। देवराज सर, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आपको हमारा साथ यहीं तक खत्म करना। प्लीज चुप करिए, मैं सोच रहा हूँ कुछ, प्लीज मैं कुछ सोच रहा हूँ, प्लीज क्या करूं? शिट, राजकुमारी जी, कृष्णा कॉल अभी भी एक्टिव है और टाइमर नॉर्मल चल रहा है, इसका मतलब नई कॉल लगाने की फ्रीक्वेंसी से ये टाइमर हाफ हो जाता है, मतलब मैं कॉन्फ्रेंस में एक और कॉल कर सकता हूँ। हेलो कमिश्नर साहब, आप प्लीज कॉल को डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, मैं कॉन्फ्रेंस में किसी और को ले रहा हूँ, ओके प्लीज। हेलो मेजर अमन, मैं देवराज बोल रहा हूँ, हमारे होटल में किसी ने बॉम्ब प्लांट कर दिया और वो बॉम्ब किसी को जबरदस्ती बनाएगा, इसे ह्यूमन बॉम्ब, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए वरना सब खराब हो जाएगा, प्लीज। देवराज, कैन यू डिस्क्राइब द बॉम्ब? मेजर अमन, इस पे एक चिप लगा हुआ है, चिप के साथ बहुत सारी वायर्स हैं, उस पे एक टाइमर बना हुआ है और साथ में उसके एक बैटरी है, देयर इज अ रेड थिंग बिहाइंड और बहुत सारी वायर्स आ रही हैं। देखिए एक मिनट रह गया, आप प्लीज कुछ करिए जल्दी। उसमें कितनी वायर्स हैं? उसमें रेड, येलो एंड ब्लू बड़ी 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 वायर्स लगी हैं। देवराज सर, आप सुन क्यों नहीं रहे? प्लीज जाइए यहां से। हेलो मेजर रमन, प्लीज जल्दी कीजिए, 30 सेकंड्स आर लेफ्ट। आपके पास सीजर है? देवराज सर, एक सेकंड। देवराज सर, प्लीज प्लीज हमारे वजह से अपनी जान खतरे में मत डालिए। प्लीज प्लीज प्लीज, कौन सी वायर कट कर रही है? हेलो हेलो,
आवाज आ रही है? हेलो हेलो मिस्टर अमन, हेलो